بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. This is Danish Tabassum and this is AS unit number 4 revision. QA sessions के बिहाफ पर कुछ questions मेरे पास हैं और उनके लिहाज से अब मैं सब चीज़ें revise करूँगा. So number 1 चीज़ ये है कि कुछ topics ऐसे हैं जो unit number 4 में पहले हुआ करते थे, अब वो नहीं होंगे. वो मैं पहले आपको बता दूँ. Number 1 location decision, number 2 scale of operation, number 3 economies of scale, number 4 process flexibility and innovation और लोकेशन डिसीजन. ये तमाम तो टॉपिक्स अब ए एस का पार्ट नहीं है, ये अब ए टू का पार्ट होंगे, इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा. और एक और भी रह गया, दैट इज़ कैड और कैम. सो ये तमाम तर ऐसे यूनिट्स टॉपिक्स हैं जो पहले यूनिट नंबर 4 में हुआ करते थे, पास्ट पेपर्स में आपको नज़र आएंगे. अब आप इनको नहीं पढ़ेंगे और ये आपके अब ए टू का पार्ट है. क्या आप इनका यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर? येस. क्या मैं इनको डिस्कस करूँगा? नो. अब फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ जो है वो हमारे पास जो यूनिट नंबर 4 में, अब मैं ज़रा जल्दी से सब चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करता हूँ. यूनिट नंबर 4 का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इज़ टू मेक द प्रोसेस इफेक्टिव एंड मेक द प्रोसेस सस्टेनेबल. ठीक है. प्रोसेस जो है वो इफेक्टिव भी हो सकता है, और इफेक्टिव प्रोसेस का मतलब ये है कि उसके अंदर चार चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होंगी. नंबर 1, वो एफिशिएंट होगा, तेज़ होगा, स्पीडी होगा, क्विक होगा, इनपुट को आउटपुट में जल्दी कन्वर्ट कर रहा होगा. नंबर 2, लो कॉस्ट पे ऑपरेट हो रहा होगा. नंबर 3, वो हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होगा. नंबर 4, उसमें वेस्टेजेस नहीं होंगे. अगर आपका प्रोसेस सिर्फ स्पीडी है, क्विक है, इनपुट को आउटपुट में जल्दी कन्वर्ट करता है, तो दिस इज़ एफिशिएंट. लेकिन हमारा प्रोसेस को इफेक्टिव होना लाजमी है, क्योंकि ऑपरेशंस मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हाउ टू गेट द ऑपरेशन इफेक्टिव. अब ये चीज़ ध्यान में रखो कि ये जो कन्वर्जन है इनपुट से आउटपुट के दरमियान, इसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए वही चार बातें ज़रूर होंगी कि इनपुट आउटपुट पर जल्दी कन्वर्ट हो, इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो तो लो कॉस्ट पे हो, हाई क्वालिटी में हो और लो वेस्टेजेस के साथ हो. जब हम ये बात कर चुके होते हैं तो हमारे पास दूसरी चीज़ आती है कि प्रोडक्टिविटी जो है क्या वाकई एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है. येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोडक्टिविटी आपके जहन में होनी चाहिए, कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा आउटपुट कम इनपुट्स के साथ आना चाहिए. बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉस्ट बेयरिंग होते हैं और डेफिनेटली लिमिटेड भी होते हैं. सो अगर हम उसके थ्रू कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करने में कामयाब हो जाएं तो दिस इज़ बेसिकली आर सक्सेस. लेकिन याद रखो, जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो इसके साथ एम्प्लॉय पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, एंड दिस प्रोडक्टिविटी आल्सो कम्स अप विद अ ह्यूज कॉस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर. Sometimes skilled labors are not available, or sometimes productivity totally depending on the technology available. तो technology आपके पास उतनी जल्दी translate नहीं हो रही होती अभी country के अंदर, आपके area के अंदर, जितनी जल्दी आपको उसको adopt करना होता है. तो that is going to be a very cost increasing element. सही है. Number 2 चीज़ जो है इसमें हमारे पास आती है वो ये आती है कि हमारे पास दो तरह के operations होते हैं. एक होता है labor intensive operation, एक होता है capital intensive operation. लेबर इंटेंसिव ऑपरेशन जो है वो ओरिजिनली ऐसा ऑपरेशन कंसिडर किया जाता है जिसके अंदर आउटपुट जो है वो टोटली डिपेंड कर रहा हो लेबर की स्किल के ऊपर, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है या जो स्पीड ऑफ आउटपुट है या जो टोटल ओवरऑल आउटपुट है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द एम्प्लॉई द लेबर. सो इसका मतलब स्किल्ड लेबर होना लाजमी होगा. अगर स्किल्ड लेबर होगा तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा लेवल पे काम नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा हाई ह्यूज क्वांटिटीज में काम नहीं कर पाएगा. और अगर आपको ह्यूज क्वांटिटीज में काम करना है तो आपको मैसिव लेवल के ऊपर लेबर को रखना पड़ेगा. डेफिनेटली व्हेन यू हैव स्किल्ड लेबर, देयरफॉर इफ दे लीव, तो आपको उसी स्किल लेवल का दोबारा बंदा ढूंढना, इट्स गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट. और उसी जिसको आगे कंटिन्यू करना है, इट्स लिटरली डिफिकल्ट. सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट टू नो कि जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ लेबर प्रोडक्टिव या लेबर इंटेंसिव प्रोसेसेस की, सो यहाँ पर हमारे पास यूनिट्स जो होंगे वो रिलेटिवली कम क्वांटिटी में बन रहे होंगे, जबकि हमारे पास जो स्किल लेबर होगा वो थोड़ा सा महंगा ज़रूर होगा, लेकिन जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी वो बहुत ज़्यादा हाई स्किल होगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हैंडमेड पेंटिंग्स की बात करें, या हैंडमेड कारपेट्स की बात करें, या आप हैंडमेड केक्स की बात करें, चॉकलेट्स की बात करें, कुकीज़ की बात करें, सो वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाई प्राइसेस पे जाती हैं. इसके अलावा हमारा दूसरा ऑप्शन होता है लेबर इंटेंसिव की जगह पर कैपिटल इंटेंसिव, जहाँ पर हमारा आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट टोटली डिपेंड होता है इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी या मशीनरी के ऊपर. याद रखो, जैसे ही हम लोग लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जाते हैं, हमारा डिपेंडेंस ओवर स्किल्ड एम्प्लॉयज़ कम हो जाता है, और डेफिनेटली हमारे पास जो बिजनेस है
वो बहुत ज़्यादा एकदम इन्वेस्टमेंट करता है टेक्नोलॉजी के ऊपर, मशीन के ऊपर, इक्विपमेंट के ऊपर, और देयरफॉर जो सारा का सारा आउटपुट होता है वो मशीन हैंडल करती है। हाँ, उस मशीन को कंट्रोल चलाने के लिए हमें कुछ लेबर की ज़रूरत होती है, बट दे कैन बी ट्रेंड एम्प्लॉयज़। सही है, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ट्रेंड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। तो एनी बडी कैन बी गेट ट्रेंड ऑन दैट मशीनरी सो दैट दे कैन स्विच ऑन स्विच ऑफ, लुक एट द मेंटेनेंस एंड सो ऑन एंड सो फॉर। अगर हम बात करते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव के बारे में ऑपरेशंस मैनेजमेंट के, दिस इज नोन एज सस्टेनेबिलिटी, यानी ऑपरेशंस का जो भी कोई आपका ऑपरेशन है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। मीनिंग आपके पास चाहे तो आप बहुत लो कॉस्ट पे काम कर सकते हैं, चाहे तो आप हाई क्वालिटी पे काम कर सकते हैं, चाहे तो आप लोएस्ट पॉसिबल वेस्टेज पे काम कर सकते हैं, चाहे तो आप फास्टेस्ट स्पीड पे काम कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि जैसे ही आप इन तमाम चीज़ों को एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे, सो यू हैव टू देन लेटर ऑन फर्दर इम्प्रूव इट। और जब आप फर्दर इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे तो पीपल आर थिंकिंग गोइंग टू थिंक दैट यू बिकम कम्प्लेसेंट एंड यू आर नॉट एडिंग वैल्यू। सो आप कॉस्ट को ज़रूर कम करें, लेकिन इतनी कम करें कि सस्टेनेबल लेवल के ऊपर कम करते चले जाएं। क्वालिटी को इतना इन्हांस ना करें, रिलेटिव बेसिस पे क्वालिटी को इन्हांस करें सो दैट आप क्वालिटी मुसलसल इंक्रीज करते जाएं। वेस्टेज को एकदम से निगलेजिबल लेके ना जाएं, ऐसा ऐसा कम करें सो दैट यू कैन कंटिन्यू रिड्यूसिंग योर वेस्टेज एंड एडिंग वैल्यू टू योर प्रोडक्ट। एंड डू नॉट स्पीड अप योर प्रोसेस, बिकॉज इफ यू कीप ऑन डूइंग ग्रेजुअल इंक्रीज इन द प्रोसेस स्पीड, सो दैट इज गोइंग टू गिव कस्टमर्स सम काइंड ऑफ फीलिंग दैट कंटिन्यूसली कंपनी इज इंप्रूविंग। तो सस्टेनेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करें कि फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज आपके लिए बच जाए, ठीक है, और आप उसके अंदर उससे फ़ायदा उठा सकें। Then we move on to the production processes, और production processes में हमारे पास job production होता है जो कि single product बनाया जाता है, order based बनाया जाता है, unit cost बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसी unit के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं, खरीदी जाती हैं, तो stock जो कोई भी hire किया जाएगा वो सारा का सारा उसी unit से related या order से related किया जाएगा। ये example simple अगर आप ले सकते हैं तो ये example आप एक सिंपल टेलर की भी ले सकते हैं, ये आप किसी स्क्रिप्ट राइटर की भी ले सकते हैं, किसी सॉन्ग राइटर की भी ले सकते हैं, ये आपकी अगर दादी या नानी या आपकी अम्मी या कोई आपके बड़ा जो है घर में आपके लिए कोई स्वेटर नेट कर रहा है आप उसकी भी ले सकते हैं, आप घर में अपने लिए फैमिली के लिए किसी के लिए आप कोई केक बेक कर रहे हैं, कोई खाना बना रहे हैं, तो वो भी खाना जो है वो बेसिकली इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर अगर आप खाना बना रहे हैं तो दिस इज़ नोन एज जॉब प्रोडक्शन। या अपने लिए आप सैंडविच बना रहे हैं, दिस इज़ अ जॉब प्रोडक्शन। सो जब हम बात करते हैं जॉब प्रोडक्शन के लिहाज से तो डेफिनेटली कस्टमाइज चीज़ बनती है, कस्टमाइज चीज़ को हम महंगे दामों बेच भी सकते हैं। और जिस तरह से आप डिलेजिया जाएँ या साशाज जाएँ या किसी और बेकरी पर जाएँ और जाके वहाँ पर आप किसी की वेडिंग का केक बनाना चाहें तो वो आपसे ऑर्डर लेते हैं और उस ऑर्डर के लिहाज से वो एक केक बनाकर आपको देते हैं और वो पर पाउंड चार्ज करते हैं। सो दिस इज़ जॉब प्रोडक्शन। लेकिन जैसे हम बैच प्रोडक्शन में आते हैं तो बेकरी के अंदर जैसे बिस्किट्स बने हुए होते हैं उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो दोज बिस्किट्स आर बेसिकली मेड इन बैचेस और वो आइडेंटिकल होते हैं। डेफिनेटली कस्टमाइजेशन यहाँ नहीं हो रही होती, यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन हो रही होती है कि स्टैंडर्ड स्वीटनेस का, एक स्टैंडर्ड साइज का, एक स्टैंडर्ड बेक्ड लेवल का, एक स्टैंडर्ड साइज का आपको एक बिस्किट मिलेगा रिगार्डलेस यू लाइक दैट साइज टेस्ट और स्पाइस और नॉट। सही है, डेफिनेटली जो स्टैंडर्डाइजेशन जब हम कर रहे होते हैं तो बैच प्रोडक्शन के अंदर हम लोग लार्ज क्वांटिटी में आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, डेफिनेटली हमारी कॉस्ट लो हो जाती है और ओवरऑल जो हमारे पास मार्जिन होते हैं वो बढ़ जाते हैं। याद रखो जॉब प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव होती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, एंड बैच प्रोडक्शन जो है वो जॉब लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव दोनों हो सकती है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जॉब से जब बैच में जाती है कंपनीज तो एम्प्लॉई थोड़ा सा नाराज़ ज़रूर होता है क्योंकि एम्प्लॉई की टोटल स्किल के ऊपर डिपेंडेंस ख़त्म होने शुरू हो जाती है और एक ट्रेंड वर्कर की ज़रूरत पड़नी शुरू हो जाती है। तो स्किल्ड लेबर बिकम्स रिलेटिव लेस इंपॉर्टेंट टू द कंपनी देन ट्रेंड एम्प्लॉयज़ दैट कैन कंट्रोल द मशीनरी। स्पीड तेज़ हो जाती है मशीन के आने की वजह से, ह्यूमन एरर कम हो जाता है, कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, वेजेस कम हो जाती हैं, ठीक है। और डिसकंटिन्यूटी का इशू ये है कि अगर कोई लेबर छोड़ के चला भी जाए तो मशीन तो वहीं की वहीं है और मशीन अपडेट भी की जा सकती है सो दैट यू हैव बेटर आउटपुट। जब कंपनी इससे ज़्यादा बड़ी होनी शुरू होती है तो वो फ्लो प्रोडक्शन पे चली जाती है और फ्लो प्रोडक्शन का बेसिक मतलब ये है कि अब वो कंटिन्यूस प्रोडक्शन करेगी। बैच प्रोडक्शन के अंदर तमाम तरह ऐसे प्रोसेसेस जिसमें कंपनी अच्छी हो खुद करती है, जिसमें अच्छी ना हो वो भी खुद करती है। सही है, फॉर एग्जांपल अगर हम चिप्स बना रहे हैं और चिप्स बनाने वाली
कंपनी में हमारे पास जो पोटैटोज़ के या कॉर्नस की या पोटैटोज़ की अगर हम बात करें तो पोटैटोज़ की क्लीनिंग होती है, कटिंग होती है, स्पाइसिंग होती है, बेकिंग होती है और फिर उनकी पैकिंग होती है। तो ये एक प्रोसेस खत्म होगा तो दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। कंपनी माइट फाइंड देमसेल्फ वेरी गुड इन स्पाइसिंग एंड बेकिंग, रादर दे आर गुड एट क्लीनिंग एंड कटिंग एंड पैकेजिंग। सो व्हाट दे डू, दे बेसिकली आउटसोर्स देयर ऑपरेशंस ऑफ क्लीनिंग, कटिंग एंड पैकेजिंग टू अदर कंपनीज जो उनसे बेहतर काम करती हैं। वर्ड आउटसोर्स का मतलब ये होता है कि आप अपना काम किसी दूसरे से करवाते हैं। याद रखें, जो काम आप अपना किसी दूसरे से करवाते हैं उस काम के अंदर आपका जो काम करने वाला होता है वो आपसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में काम करता है, कभी आप अपने से कम क्वालिटी वाले को चीज़ नहीं बेचते। और ये भी याद रखिएगा कि जब आप अपना काम किसी दूसरे को देते हैं तो डेफिनेटली वो चार्ज करता है, ज़्यादा चार्ज करता है जितने पे आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर गोइंग टू डू इट एट $10 पर यूनिट, जब आप आउटसोर्स करेंगे तो इट माइट बी 17 और 21 या $30 पर यूनिट, लेकिन वो जो 30 या 21 या $17 पर यूनिट पे वो दूसरा काम करके आपको देगा उससे क्वालिटी कहीं ज़्यादा हाई होगी जो आप $10 में प्रोड्यूस कर रहे होंगे। एंड दैट गोइंग टू द वर्थ इन्वेस्टिंग इन योर आउटसोर्सिंग। जब हम ये बात कर लेते हैं तो देन हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ फ्लो प्रोडक्शन। और फ्लो प्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने ये बात अभी की है कि जिन कामों में हम अच्छे होंगे वो हम खुद रखेंगे, यानी कि हम स्पाइसिंग और बेकिंग में खुश हैं तो हम उसमें स्पेशलाइज कर लेंगे, और बाकी जिनमें हम बेहतर नहीं हैं उनको हम आउटसोर्स कर देंगे। देयरफॉर जॉब प्रोडक्शन इज टॉकिंग अबाउट कस्टमाइजेशन, बैच प्रोडक्शन इज टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन, और फ्लो प्रोडक्शन इज टॉकिंग अबाउट स्पेशलाइजेशन। और स्पेशलाइजेशन के साथ ये कंटिन्यूस फ्लो में काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमारे पास अब जगह वो बच जाएगी, क्लीनिंग, कटिंग और पैकेजिंग की जगह बच जाएगी। देयरफॉर वी आर नॉट गोइंग टू होल्ड ऑल दोज मशीनरीज दैट या इक्विपमेंट्स दैट वर यूज्ड इन दीस थ्री प्रोसेसेस, रादर वो हम बेच देंगे क्योंकि वो काम कोई और दूसरा करके दे रहा है, और हम वो मशीनरी और एड ऑन कर लेंगे स्पाइसिंग की और फ्लेवरिंग की और बेकिंग की जो हमारे पास है, तो हमारे पास ओवरऑल ऑपरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा याद रखना कि जब कभी हम फ्लो प्रोडक्शन पे होते हैं तो हम कंप्लीटली कैपिटल इंटेंसिव पे होते हैं, लेकिन कंपनी चाहती हैं कि ये मास ह्यूज कंडीशन के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर लेट्स गिव सम काइंड ऑफ कस्टमाइजेशन, सम काइंड ऑफ वैल्यू टू आर फाइनल कस्टमर, और फॉर दैट रीजन दे गो विद अ फ्रैक्शन ऑफ देयर प्रोडक्ट लाइन, फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट लाइन, नॉट कंप्लीट प्रोडक्ट लाइन, फ्रैक्शन का मतलब कुछ हिस्सा ऑफ देयर प्रोडक्ट लाइन दे इंट्रोड्यूस इन मास कस्टमाइजेशन, के दुनिया से लोग मास लेवल के ऊपर ऑर्डर करें और उनको हम उनकी मर्जी की चीज़ बना के दें। जस्ट लाइक अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आप बहुत सारे लोग एक साथ लॉगिन होते हैं, जब लॉगिन होते हैं तो डेफिनेटली हर एक का अपना कार्ड बना हुआ होता है, हर एक के लिहाज से अपनी रिलेटेड प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं, हर एक को अपना एक एक्सपीरियंस नज़र आ रहा होता है और हर एक को अपनी ही प्रोडक्ट नज़र आती है, और कोई हर कोई अपना ही प्रोडक्ट खरीद के चला जाता है। वेबसाइट एक है, हज़ार लोग एक साथ आए हुए, मास लेवल में लोग आए हुए और हर कोई अपने लिहाज से काम कर रहा है, कस्टमाइजेशन हासिल कर रहा है, दैट इज़ बेसिकली नोन एज मास कस्टमाइजेशन। याद रखना, फ्लो प्रोडक्शन में अगर आप कैड और कैम का इस्तेमाल कर लें तो आप मास कस्टमाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन कैड और कैम इज़ नो मोर इन AS का कोर्स। अब हम आगे बात करते हैं जो नया टॉपिक आया, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हमारी मशीनरी के बारे में हम बात करते हैं कि मशीन कितना इस्तेमाल या इक्विपमेंट या प्रोसेस कितना इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हमारे पास प्रोसेस की कैपेसिटी जो है वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की है और हम अभी 80 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 20 यूनिट्स एक्स्ट्रा बचे हुए हैं जो हम बना सकते हैं, जगह बची हुई है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, बट वी आर अनएबल टू कंज्यूम इट। दीज 20 यूनिट्स आर नोन एज एक्सेस कैपेसिटी। याद रखो, एक्सेस कैपेसिटी अगर ज़्यादा होगी या एक्सेस कैपेसिटी रहेगी तो नंबर वन उससे डीमार्केटिंग होगी, इंप्रेशन गलत जाएगा कि मशीन खाली पड़ी हुई है, नंबर टू आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होगी, ज़्यादा होगी, और वो क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर आप 100 यूनिट्स बनाते हैं और फिक्स कॉस्ट बेयर करते तो डिस्ट्रीब्यूट होती वो 100 यूनिट्स के ऊपर, अब फिक्स कॉस्ट जो है वो 80 यूनिट्स पर प्रोड्यूस हो रही है, सो डेफिनेटली अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल फिक्स कॉस्ट जो है वो 1000 रुपीज़ है तो 1000 रुपीज़ पहले 100 से डिवाइड हो रही थी तो 10 पर यूनिट आ रही थी, और अब वो 800 से डिवाइड हो रही है तो डेफिनेटली वो 10 से ज़्यादा ही होगी। तो याद रखो, एक्सेस कैपेसिटी इज ऑलवेज अ कंसर्न टू द कंपनी। अब कंपनी ये देखती है कि ये एक्सेस कैपेसिटी शॉर्ट रन में आ रही है, टेम्पररी आ रही है या परमानेंट आ रही है। अगर टेम्पररी आ रही है तो कंपनी कैन वेट फॉर अ वाइल एंड कीप ऑन प्रोड्यूसिंग द पर्टिकुलर यूनिट। अगर वो परमानेंट आ रही है तो कंपनी कैन रिड्यूस देयर फुल कैपेसिटी टू 80 यूनिट्स, विच इज़ वेरी डेंजरस थिंग टू डू, जिसको हम डाउन साइजिंग भी कह सकते हैं। लेकिन समटाइम्स कंपनीज ये करती हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डर्स लेने की कोशिश करती हैं सो दैट दे कैन मेंटेन दैट दोज दे कैन ओवरकम दोज 20 यूनिट्स
जो ये बात कर रहे हैं, सही है, एक्सेस कैपेसिटी के अंदर, और एक तरह से अपनी स्ट्रेटेजिक अलायंसेस सेट करने की कोशिश करती हैं विद सप्लाई या कस्टमर बिजनेसेस जिनके डिफरेंट ऑर्डर्स देने की कोशिश करती हैं, सो दैट उनकी जो कैपेसिटी है वो 80 यूनिट से बढ़कर 100 यूनिट से चली जाए। एक और कंडीशन भी आती है, दैट कंडीशन इज नोन एज कैपेसिटी शॉर्टेज। कैपेसिटी शॉर्टेज उस वक्त होती है जब हमारी कैपेसिटी तो 100 यूनिट्स की है लेकिन हमारे पास जो ऑर्डर साइज आया हुआ है वो 140 यूनिट्स का आया हुआ है, लेकिन हमारे पास 40 यूनिट्स नहीं है, बना नहीं सकते हम फुल कैपेसिटी पे 100 यूनिट्स बना सकते हैं, हमारे पास 40 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाने की जगह नहीं है। सो ये चीज़ जो है कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, माइट बी पॉसिबल समटाइम्स कंपनी से कि हम ये 40 यूनिट्स को वैसे ही छोड़ देंगे सो दैट हमारे पास हम अपनी 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, वी आर प्रीटी हैप्पी विद इट, फाइन, दिस इज अ वे ऑफ डूइंग इट, लेकिन देयर आर मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे ट्राई टू ऑप्ट फॉर दोज एक्स्ट्रा 40 यूनिट्स। अब देखना ये पड़ेगा कि हमारे पास ये 40 यूनिट्स जो हैं ये टेम्प्ररी हैं या परमानेंट हैं। अगर ये टेम्प्ररी हैं तो कंपनी को चाहिए कि वो रेंट आउट करे एक्स्ट्रा मशीनरी को, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट को फॉर द प्रोसेस, सो दैट जैसे ही 40 यूनिट्स उसके पास से जाए वापस तो जो एक्स्ट्रा मशीन या इक्विपमेंट उसने लिया वो भी उसके पास से वापस चले जाए, और जब तक उसके पास है वो उससे फ़ायदा उठाता रहे, और कोशिश करे कि ये 40 यूनिट जो उसको टेम्प्रेरी बेसिस पर मिले सम हाउ सम वे इनमें से कुछ या 100% इसके अपने फुल परमानेंट डिमांड में कन्वर्ट करे बाय गिविंग देम वैल्यू एडिशन एंड गिविंग देम द रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा क्वालिटी सर्विसेज, सही है। अगर ये 40 यूनिट जो है ये परमानेंट है देन कंपनी कैन एक्सटेंड कैन एक्सपेंड देयर ऑपरेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू मशीनरी बाय परचेजिंग इट, सही है, दे कैन यूज देयर स्पेयर कैपेसिटी देयर द पर्टिकुलर स्पेस दैट वाज नॉट प्रीवियसली यूज्ड नाउ इज ऑपरेशनल, और इसकी वजह से आपके पास जो जगह है वो ज़्यादा हो चुकी है, और समटाइम्स कंपनीज कैन गो कि इसे ये 40 यूनिट्स जो एक्स्ट्रा हैं इसको हम खुद तो नहीं बनाए लेंगे लेकिन हम इसको आउटसोर्स दूसरे को करवा देते हैं सो दैट दूसरा ये काम करके हमें देना शुरू कर दें। सो अगेन दैट इज सम हाउ द कंपनीज आर गोइंग टू यूज देयर शॉर्टेजेस कैपेसिटी शॉर्टेजेस एंड अदर कंपनीज एक्सेस कैपेसिटी टू मैच द ओवरऑल इक्वेशन। जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मैनेजमेंट के लिहाज से जो इसका आखिरी टॉपिक है, तो स्टॉक मैनेजमेंट के लिहाज से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है वो ये है कि जब हमारे पास स्टॉक ज़्यादा रखा होता है तो हमारे पास बल्क डिस्काउंट्स हमें मिल जाते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। नंबर वन प्रॉब्लम स्टोरेज कॉस्ट, नंबर टू इसकी ऑब्सोलेंसी कॉस्ट, नंबर थ्री जितना पैसा लगाया होता है वो कहीं और लग सकता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी रखी हुई तो सिक्योरिटी या सर्वेलेंस कॉस्ट भी रखनी पड़ती है, और समटाइम्स अगर वो यूनिट ना बिके तो संक कॉस्ट भी लग जाती है। इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हमारे पास किस तरह से स्टॉक को मेंटेन करना है, हमारे पास तीन मेजर तरीके हैं स्टॉक होल्डिंग के लिहाज से। नंबर वन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसका एक और नाम ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिमांड के लिहाज से आपके जितने भी यूनिट्स होते हैं उन सब के डिमांड के लिहाज से यूनिट्स को एज्यूम करके उनको होल्ड किया जाता है। अब डिमांड इन टर्म्स ऑफ वीक बेसिस भी हो सकती है, मंथ बेसिस भी हो सकती है, ट्वाइस अ मंथ भी हो सकती है, डेली बेसिस भी हो सकती है, फोर्टनाइट भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज प्रोसीजर, लेकिन सारे यूनिट्स के लिए जितने भी उसके पास इन्वेंट्रीज रखी हुई होंगी वो हर एक के सर्टन क्वांटिटी डिमांड को देखते हुए कि यार ये एक महीने में इतने यूनिट्स बिक जाएंगे, एक यूनिट में ये इतने डब्बे बिक जाएंगे, इतने यूनिट में ये इतने पैकेट्स बिक जाएंगे, या इतने हफ्ते में एक हफ्ते में इतने यूनिट्स इतनी कोल्ड ड्रिंक्स बिक जाएंगी, दिस इज हाउ दे बेसिकली मेंटेन अकॉर्डिंग टू डिमांड, सही है, दिस इज नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लेकिन अगर आप अपनी इन्वेंट्री में से कुछ इन्वेंट्री को सिर्फ रखें कि यार अगर इन केस अगर वो हमारे पास ऑर्डर आया तो हम उसको कैटर कर लेंगे, दिस इज नोन एज जस्ट इन केस, ठीक है। याद रखो डिमांड लेवल के लिहाज से जब हम काम कर रहे होते हैं ई ओ क्यू के ऊपर तो हमारे पास बफर इन्वेंट्री बच सकती है, सही है। और जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ जे आई सी के अंदर तो सिर्फ उन यूनिट्स के अंदर हमारे पास बफर इन्वेंट्री बच सकती है जिसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा फॉर रेनी डेज हम लोगों ने एक्स्ट्रा यूनिट रखा हुआ हो। व्हाट इज बफर यूनिट? अनसोल्ड यूनिट जो बच गया, हमने 100 यूनिट्स खरीदे थे, 80 बिक गए, 20 रह गए, 20 बेसिकली हमारा बफर स्टॉक हो गया, सही है। तो अगली दफा का जब हम 80 दोबारा लेकर आएंगे खरीदेंगे नेक्स्ट दोबारा खरीदेंगे तो वो दोबारा खरीद के हम दोबारा 100 यूनिट्स पे चले जाएंगे और डेफिनेटली हमारे पास जो पुराना 20 यूनिट्स होगा या सबसे पहले बेचा जाएगा क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो फीफो मेथड होता है वो यहाँ पर लगेगा। सो इसको हम बेचेंगे सो दैट ये ऑब्सोलीट ना हो जाए। इन टर्म्स ऑफ वाइन हम लीफ इस्तेमाल करते हैं, जो पुराना हो चुका है उसको हम और प्रिजर्व करना शुरू कर देते हैं और वो ज़्यादा वैल्यूएबल बनने शुरू हो जाती है, कंटामिनेट होती है।
सही है। सो अब ये चीज़ें जहन में रखो कि जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टॉक को रखना ही नहीं है, और जब ऑर्डर आएगा हम उस वक्त देखेंगे, उसको कहते हैं जस्ट इन टाइम। याद रखो जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, तो सारी के सारे यूनिट जो हम खरीद रहे होते हैं उसमें हम बकायदा हम क्वांटिटी को एक सर्टन अमाउंट में खरीद रहे होते हैं, तो डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। जस्ट इन केस में रिलेटिवली कम डिस्काउंट्स मिलते हैं, क्योंकि कुछ क्वांटिटी को हम अकॉर्डिंग टू जस्ट इन केस जस्ट फॉर रेनी डेज हम लोग रख रहे होते हैं, तो डिस्काउंट्स मिलते हैं लेकिन उतने नहीं मिलते जितने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में मिलते हैं। सही है, जस्ट इन केस में तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि जस्ट इन केस में तो हम यूनिट बनाते ही सिर्फ उस वक्त हैं जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उस वक्त ही उसका माल खरीदते हैं, सप्लायर से उसी वक्त माल खरीदते हैं। तो देयरफॉर जस्ट इन टाइम के होने के लिए आपके सप्लायर का जस्ट इन टाइम पे होना लाजमी है। क्वालिटी के टोटल डिपेंडेंस जो है वो सप्लायर के ऊपर है। आपके पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है जस्ट इन केस में, रिलेटिवली थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है ई ओ क्यू पे और कम हो जाती है। सही है, सप्लायर की डिपेंडेंस जो है वो ई ओ क्यू पे रिलेटिवली कम होती है, जस्ट इन केस में रिलेटिव ज़्यादा होती है, और सुपर हाई हो चुकी होती है जस्ट इन टाइम के अंदर। ठीक है, लेकिन क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी का बढ़ना और स्टोरेज कॉस्ट का कम होना, सही है, ये जस्ट इन टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल चीज़ है। देयरफॉर जस्ट इन टाइम को आमतौर पर कंपनीज प्रेफर करती हैं कि उसको अप्लाई किया जाए, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग जस्ट इन टाइम इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल मॉडल, क्योंकि इस जस्ट इन टाइम के अंदर एक तो आपके पास जो सप्लायर है और सप्लायर का जो सप्लायर है, यानी कि पूरी बैक सप्लाई चेन जितनी भी आपके पास से चल रही है उसको जस्ट इन टाइम पे होना लाजमी है। सही है, और फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न जस्ट इन टाइम पे होने के लिए आपको एक इतना ह्यूज ब्रांड होना लाजमी है कि दूसरी कंपनी जो आपके साथ एसोसिएटेड है वो सिर्फ आपके ब्रांड इमेज को कवर करने के लिए, के साथ काम करने के लिए दे रियली वॉन्ट टू गो इन टू द GIT एंड एक्सक्लूसिव डील विद योर ऑपरेशन। इसलिए आमतौर पर कंपनीज जो बैकवर्ड इंटीग्रेट करती हैं वो जस्ट इन टाइम पे चली जाती हैं, क्योंकि उनको पता है वो खुद ही अपना सप्लायर हैं, तो देयरफॉर जब ज़रूरत होगी तो सप्लायर उनके पास आ जाएगा। अब बात आती है हमारे पास इन्वेंट्री चार्ट्स की। इन्वेंट्री चार्ट्स के अंदर हमारे पास दो चीज़ें जहन में रखना कि एक हमारे पास होता है मैक्सिमम ऑर्डर लेवल, इससे ज़्यादा हम रख नहीं सकते, और इससे कम हम रखना नहीं चाहते। इससे ज़्यादा क्यों नहीं रख सकते, कि जगह नहीं, सही है, और इससे कम रखना क्यों नहीं चाहते, कि इससे कम रखेंगे तो जो हम लोग टोटल क्वांटिटी रख सकते थे और जितनी क्वांटिटी अब हम रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं 100 यूनिट्स रख सकता था और मैं 60 यूनिट्स रख रहा हूँ, तो 40 यूनिट्स जो मैं रख सकता था और बेच सकता था वो मैं नहीं बेच रहा। इसलिए याद रखो, ना तो हम 100 यूनिट से ज़्यादा रख पाएंगे, जगह नहीं है, ना हम 100 यूनिट से कम रख पाएंगे, सही है, क्योंकि हम चाहते नहीं। अब मैक्सिमम ऑर्डर लेवल जो है वो मेरा 100 का है, जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा मैं यूनिट बेचता जाऊंगा, ये चीज़ कम होती चली जाएगी, और एक वक्त आएगा एक मिनिमम लेवल के ऊपर पहुंच जाएगी चीज़। जैसे मिनिमम लेवल पे चीज़ पहुंच जाएगी, फौरन से बेचकर हमारे पास थ्रेशोल्ड लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल आएगा जो मैंने सेट किया है 10 यूनिट्स के ऊपर। ठीक है, सो 100 से कम होते हैं 90 से 80 70 60 50 30 40 30 20, और जैसे 10 पे आया एकदम से बज़र डेवलप होता है, बज़ आती है कि जी 10 यूनिट्स आ चुके हैं, काइंडली रीऑर्डर कर लें। मैं अपने फॉरन सप्लायर को फ़ोन करता हूँ कि यार मुझे 90 यूनिट्स की ज़रूरत है, क्योंकि मैं इसमें कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, 10 यूनिट्स पे खड़ा हुआ हूँ, और मुझे 90 यूनिट्स चाहिए टू रीच टू 100 यूनिट्स, इंश्योरिंग कि ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर डिलीवरी टाइम जिसमें वो आएगा, जिसको मैं अब लीड टाइम कहने वाला हूँ, उसमें मैं कोई यूनिट नहीं बेचूंगा या नहीं बिकेगा। अगर कोई यूनिट बिकेगा आई नीड टू अकाउंट दैट एंड अकोमोडेट दैट फ्यूचर सेल इन टू माई रीऑर्डर क्वान्टिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने सप्लायर से बात करता हूँ, सप्लायर मुझे कहता है कि आपको हम एक दिन के अंदर प्रोड्यूस ये चीज़ यूनिट्स हम दे देते हैं, तो मैं कहूँगा ठीक है मैं एक दिन में कितने यूनिट्स बेच सकता हूँ, हो सकता है मैं 3 यूनिट्स और बेच दूँ, तो टोटल अभी मैं यहाँ पर कहाँ पर कितने पे खड़ा हुआ हूँ, 10 पे, लेकिन जब ऑर्डर आएगा तो कहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, 7 पे, तो मुझे अभी 93 यूनिट्स का ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये ऑर्डर आएगा तो 93 यूनिट्स मिलाकर 7 को साथ मिलाकर 100 बन जाएंगे, और मुझे समहाउ समवे पर 3 यूनिट्स ही बेचने हैं, नहीं बिक पाए मेरा परेशानी, मैं वापस नहीं कर सकता। सही है, और ये भी याद रखो कि कोई कंपनी भी ऐसी नहीं होती कि जो 90 यूनिट्स के पर सर्टन डिस्काउंट दे रही हो और 93 यूनिट पर डिस्काउंट बढ़ा दे, तो ये भी याद रखो कि अब आप एक्स्ट्रा 3 यूनिट्स तो ले रहे हो लेकिन डिस्काउंट इस पर एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा आपको। ठीक है, जैसे ही स्टॉक दोबारा आएगा तो री ऑर्डर क्वान्टिटी कितनी होगी हमारे पास, 93 यूनिट्स। री ऑर्डर लेवल क्या होगा हमारे पास, 10। बफर स्टॉक कितने हो, 10, 0 से लेकर 10 तक, ये बच गए ना, नहीं बिके। सही, मैक्सिमम ऑर्डर लेवल क्या है हमारे पास, 100। ठीक है, और जो टाइम बिटवीन ऑर्डर मेड 10 यूनिट के ऊपर और ऑर्डर रिसीव जब 7 यूनिट हो गए, दिस इज द टाइम
कितने टाइम में हमें ऑर्डर रिसीव हुआ है, 93 यूनिट कितने टाइम में रिसीव हुए, दिस इज़ आर लीड टाइम। सो याद रखो कि जो हमारे पास स्टॉक मैनेजमेंट प्रोसेसेस चल रहे होते हैं तो इनके अंदर ये तमाम तर चीज़ें जितनी भी हैं ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ जहन में रखना कि अगर आपका स्टॉक मैनेजमेंट कैपेसिटी से लिंक्ड ना हो, आपका कैपेसिटी आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस से लिंक्ड ना हो, और आपके प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोसेस आपकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से कनेक्टेड ना हो, आपके बिजनेस को हमेशा नुकसान होगा। और ये भी याद रखो कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बगैर कोऑर्डिनेशन के ना तो चल सकती है और ना कोई दूसरा डिपार्टमेंट इसकी कोऑर्डिनेशन के बगैर चल सकता है, क्योंकि ये वो यूनिट है, ये वो डिपार्टमेंट है जो मार्केटिंग वाले को वो यूनिट देगा बनाकर, जो मार्केटिंग यूनिट ने, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने मार्केट रिसर्च करके, मार्केट में ढूंढ कर इंफॉर्मेशन निकाल कर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताया होगा कि यार ये यूनिट है, इसकी ये क्वालिटी है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है और इसकी ये डिमांड है, और आपने अकॉर्डिंग टू दैट डिमांड चीज़ जो है वो प्रोड्यूस करके दी होगी। तो अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट होगी तो मार्केटिंग वाले को झूठ नहीं बोलना पड़ेगा और वो सच बोल के अच्छे तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई करके प्रोडक्ट बेच देगा, ठीक है, और फिर रिपीट परचेज भी आ जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई डंडी शंडी मार दी, आपने प्रोसेस को इफेक्टिव नहीं बनाया, यानी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, कॉस्ट कम उतनी नहीं हुई, या प्रोसेस उतना तेज नहीं हुआ, या वेस्टेज उतनी कम नहीं हुई, ठीक है, सो देयरफॉर आपका मार्केटिंग वाला बेच तो जरूर देगा प्रोडक्ट, दोबारा नहीं बेच पाएगा क्योंकि उस मार्केटिंग वाले ने झूठ बोला होगा या सम कुछ ऐसे उसने क्या कह सकते हैं, ऐसे क्लेम्स कर दिए होंगे जो कि कस्टमर को मीट होते हुए नजर नहीं आ रहे होंगे। सही है, इन ऑर्डर टू हैव सक्सेसफुल ऑपरेशंस डिपार्टमेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं दो, इफेक्टिव प्रोसेस और सस्टेनेबल प्रोसेस मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड विद द अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, एचआर एंड फाइनेंस, एंड ऑल ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव शुड बी लिंक्ड विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स समहाउ सम वे, अदरवाइज ऑपरेशंस डिपार्टमेंट आपके पूरे बिजनेस को लेकर डूब सकता है। सो दिस वॉज अ वेरी क्विक रिविजन ऑफ यूनिट नंबर 4, और आप लोग इसको जितनी दफ़ा सुनना चाहें आप सुने, शेयर है, हेल्प अदर्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।